हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ फुलझड़ी वेबसाइट से ली गई ईयरिंग्स का ट्राई ऑन हॉल और रिव्यू करने वाली हूँ। फुलझड़ी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर तरह की इमिटेशन ज्वेलरी, फैशनेबल ज्वेलरी, एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी, आई मीन यू नेम इट, दे हैव गॉट इट, स्टार्टिंग फ्रॉम एंकलेट हो गए, नेकलेस हो गए, ईयरिंग्स हो गए, एंड जो उनकी वैरायटी है, द काइंड ऑफ ज्वेलरी दे सेल, इट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन विद द रिव्यू, मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 ईयरिंग्स मंगाए थे लास्ट मंथ, एंड उन तीनों ईयरिंग्स का कॉस्ट मुझे 850 या 900 समथिंग पड़ा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। सो एक ईयरिंग मुझे 250 से 300 रुपए के बीच में मिली थी। सो जो मेरी सबसे पहली ईयरिंग है वो है ये, एज यू कैन सी कि ये जो ईयरिंग्स हैं दे लुक सो ब्यूटिफुल, एंड इसमें सिल्वर एंड गोल्डन टच दोनों हैं। दे लुक वेरी 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 ट्रेडिशनल। आप इसे किसी साड़ी के साथ, सूट के साथ बहुत ही ब्यूटिफुली कैरी ऑन कर सकते हो। आप देख सकते हो द मटेरियल ऑफ दिस ईयरिंग इज एग्जैक्टली द सेम जैसा वेबसाइट पे मेंशन था। सो गाइस, दिस इज़ हाउ द ईयरिंग इज़ गोइंग टू लुक। एज यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये किसी भी सूट, अभी मैंने सूट पहन रखा हुआ था, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस सूट ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये सिल्वर और गोल्डन टच दोनों में है तो इट विल गो विद एनी कलर। मैंने इसका ग्रीन पहना हुआ है एंड स्टिल इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस, बिकॉज अगर नॉर्मली जो लड़कियाँ बहुत हैवी ईयरिंग्स पहनती हैं उनको ये वेट बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ सो आई फील दैट दिस इज़ अ लिटिल बिट हैवी, बट टेकिंग अ लुक एट द क्वालिटी एंड द डिज़ाइन एंड द इंट्रिकेसी ऑफ द वर्क, जितना इंट्रिकेट वर्क हुआ है, बहुत ही ओवर ऑक्सीडाइज नहीं है, कोई भी ब्लैकिश अपीयरेंस नहीं है, एंड इट्स बीन 1 month कि मैंने इसे ऐसे ही बॉक्स में छोड़ दिया था विदाउट एनी कॉटन या उसको कुछ कवरिंग नहीं दी थी, एंड स्टिल वो वैसा ही बिल्कुल इंटैक्ट है, सेम है। जो इसका मिरर है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉलिश्ड, बिल्कुल भी फेड आउट नहीं हुआ है। सो गाइज, फॉर मी आई थिंक दिस लुक्स जस्ट वाओ। अगर आप लेना चाहते हो तो 250 से 300 रुपए में आई डोंट थिंक इट्स वेरी बैड डील। सो क्वालिटी प्रॉमिस कर रही थी वेबसाइट पे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। मैंने इसको पहना था एंड इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड कि ये कितना सुंदर लग रहा है ईयर, एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद माई परचेज। एनी वेज, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन ईयरिंग में आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव समथिंग इन ब्लू, बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, सो आई गॉट दीज फॉर माई सेल्फ एंड श्योर इट गोज। आप देख सकते हो इसमें लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, सिल्वर लुक है, इसमें 3 तरह के कलर्स यूज हुए हैं, एंड दिस ईयरिंग विल गो ऑब्वियसली विद एनी थिंग, बट ये सूट पे ज़्यादा सुंदर लगेगी या इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस पे बहुत ही ज़्यादा एप्ट बैठेगी। एंड इफ़ यू वेयरिंग समथिंग सिल्वर और आप चाहते हो ईयरिंग्स थोड़ा सा शाइन आउट करें फ्रॉम योर एंटायर ड्रेस, यू कैन गो विद दीज ईयरिंग्स। इस ईयरिंग की जो हैवीनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन। येस, वैन यू विल वेयर इट आपको थोड़ा सा हैवी फील आएगा कि इट्स ग्रेविटी इज़ पुलिंग इट डाउन। सो बट दे अगेन दे वेरी ब्यूटिफुल। अगर आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए पहनना है, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बैड ऑप्शन। दे लुक गुड, दे लुक ट्रेडिशनल, दे लुक प्रिटी, सो दिस लाइक इट्स दे हैव गॉट एवरी थिंग। सो फॉर मी इट्स अ थम्स अप एंड येस आई डू वेयर इट, बट अभी तक ऐसा कुछ मौका नहीं मिला मुझे पहनने का। सो सी, दे लुक वेरी प्रिटी एंड आई एम ऑल्सो गोना ट्राई आउट दी अदर वन जस्ट टू सी हाउ दे बोथ लुक। So guys, here it is. This is how they're gonna look. Yes, they feel really heavy, but again, they look pretty, so it doesn't really matters. जो थर्ड मैंने ईयरिंग लिया था वो मैंने फर्स्ट वाले से काफ़ी थोड़ा मैचिंग टाइप का ही ले लिया था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, बट अगेन दे लुक सो प्रिटी, आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन ऑफ बाइंग देम। दिस इज़ हाउ दे लुक। They look decent, they look pretty, they look so cute, and they kind of give a Rajasthani kind of folk traditional touch. And again, agar main bataun ki kitne heavy hain, to yes, these are actually heavy.
आप देख सकते हो कान थोड़ा सा लटक रहा है। अगेन इसको आप पहनने के लिए आप सपोर्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने ईयरिंग्स पहने हैं ये काफ़ी हैवी हैं एंड यू नो वो नीचे पुल हो रहे हैं, बट बिकॉज दे लुक सो यू नो क्यूट और एक यू नो उनमें एक फोकलोर जैसा यू नो ब्यूटिफुल लुक आ रहा है, सो आई डोंट रियली माइंड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर आई वेयर दीज आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं सपोर्टर्स इनके साथ पहनूँ। दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो अगर आपको ईयरिंग्स पसंद आए होंगे तो मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इनकी जो कस्टमर सर्विस है इट्स वेरी गुड, आपको मोस्टली जो बॉक्स है वो विद इन 7 to 10 days रिसीव हो जाएगा या मोस्टली उससे पहले। एंड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है, आप डायरेक्टली उनसे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, आप उनसे डायरेक्ट कॉल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑल इट्स वेरी गुड इन फैक्ट। सो फॉर मी इट्स अ थम्स अप। एंड गाइज अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर बाय करें। आप फुलझड़ी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, गूगल पे सर्च करके आप उस पर देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी ज्वेलरी हैं, वैरायटी ऑफ ज्वेलरीज हैं, इमिटेटेड ज्वेलरी हैं, आपको जैसी जो भी पसंद आए आप खरीदो अपने लिए। सो गाइज दिस इज़ इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।